आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर में गढ़ा गुलौवा चौक रेलवे फाटक से लेकर ओवरब्रिज के आसपास सुबह एवं शाम के समय जबरदस्त ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है। यहां पर लगा हुआ जाम कभी दो घंटे कभी तीन घंटे आम जनमानस को परेशान करता रहता है। शाम होते यहां आजू बाजू ठेले वाले सब्जी वाले और अन्य फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले रोज तक दुकान लगा लेते हैं, जिस कारण यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस प्रशासन को भी इस संबंध में जानकारी दी, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ट्रैफिक पुलिस तो सिर्फ मूक दर्शक बनी रहती है, बेचारी जनता परेशान रहती है। अभी जो जाम लगा हुआ है गढ़ा तिराहे से उस तरफ रेलवे फाटक का जाम था, इस तरफ से ओवरब्रिज का जाम था, ये काफी समय से लगभग डेढ़ से दो घंटे हो गए हैं इस जाम में फंसे हुए। मैं अभी निकल कर आ पाया हूँ डेढ़ दो घंटे बाद रोड को घूम करके। यहाँ पर इसको संभालने के लिए, ट्रैफिक को संभालने के लिए कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं था। पिछले आधे घंटे तक, आधे से पौन घंटे बाद पुलिस प्रशासन के चार पांच लोग आए हैं, तब उन्होंने करवाना चालू किया, तो भी अभी भी ये जाम लगा हुआ है। जैसे जैसे हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार लंबा घूमकर निकल रहा है, और जैसा कि अभी सुना था मैंने, वहाँ पता किया था कि जाम लगने का कारण क्या था। जाम लगने का कारण उन्होंने बताया कि जो फुटपाथ हैं और जो किनारे हैं वहाँ पर चौपाटी है, जो ठेले लगे हुए हैं, इसकी वजह से पूरा जाम लग जाता है, क्योंकि इंसान वहाँ पर खाने पीने आता है और गाड़ियाँ अव्यस्त तरीके से लगा देता है, जिससे ना ही नगर निगम का कोई भी तरह का किसी से पर्ची काटी जाती है, उनकी स्लिप काटी जाती है, परंतु उनकी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। इस वजह से जाम है, जिससे हमारा ईंधन समय हर चीज़ें बर्बाद होती हैं, और काफ़ी चीज़ें आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं हम लोग। अमित श्रीवास, पौन घंटे से जाम लगा हुआ और जो साइड में जो ठेले वाले खड़े हुए हैं इस कारण से बहुत जाम लग रहा है। आप देखिए कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, और ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ये सब आके देखना चाहिए और इसको सुधार करना चाहिए कि ये व्यवस्था हो। क्या पूरे सर्विस क्लास के लोग, लेडीज हैं, बच्चे हैं, निकल रहे हैं, किसी इमरजेंसी मरीज को यदि कहीं जाना तो उसकी क्या स्थिति होगी, ये सब आके देखिए। पुलिस प्रशासन का काम है, पूरा करीब आधा पौन घंटे से पूरे पब्लिक परेशान है, और देखिए दोनों पर ये जाम लगा हुआ है। ये महीने में, मतलब ये अक्सर होता नहीं रहता, ये अक्सर हफ्ते में दो तीन बार होते ही रहता है। ये इसकी मूल वजह क्या है, कारण क्या कह सकते हैं आप, किस वजह से हो रहा है ये? इसका कारण ये है कि एक तो जो शाम को वक्त है अभी से जो वर्ग के लोग छूटते हैं दोनों तरफी से, उसका प्रभाव पड़ता है, प्लस ये आजू बाजू ठेले लगे होंगे चाट के, क्या ये पूरे जाम करे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अभी आपने कुछ शिकायत ऐसा कुछ आपने दर्ज कराया है? अभी फोन करके अब ये महापौर जी को बोलते हैं, यहाँ के जो विधायक उनको बोलते हैं, और ये पुलिस प्रशासन को ये आके सब देखना चाहिए और व्यवस्था को संभालना चाहिए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।